हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैंकर्स एडवाइज। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो कि मैं बैंक्स और फाइनेंस रिलेटेड सारी जानकारी आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी यहाँ से प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैंने ICICI बैंक में आप ऑनलाइन सेविंग अकाउंट कैसे खोलोगे पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है और मैंने अकाउंट खोल के भी वीडियो में दिखाया हुआ है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ICICI बैंक में टू टाइप्स के अकाउंट अभी ऑनलाइन ओपन हो रहे हैं, एक इंस्टा सेविंग अकाउंट और दूसरा इंस्टा सेविंग FD अकाउंट। फ्रेंड, इंस्टा सेविंग अकाउंट जो नॉर्मल वाला होता है उसमें आपको 10,000 मेंटेन करके रखना है ऑलवेज, और दूसरा जो इंस्टा सेविंग FD अकाउंट है फ्रेंड, उसमें आपको 10,000 की FD बनानी पड़ेगी एट दी टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। आप जब तक आप FD बना के रखते हो तब तक आपका अकाउंट जो है जीरो बैलेंस रहता है, इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा फंड इसमें मेंटेन नहीं रखना है। लेकिन जब भी आप फ्रेंड याद रखना इस चीज़ को कि अगर आप FD ब्रेक कर लेते हो तो आपका अकाउंट जो है नॉर्मल 10,000 वाले में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको 10,000 इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, मैंने पूरा प्रोसेस करके बताया हुआ है। अब मैं फ्रेंड आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन एलिजिबल है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो फ्रेंड, आप चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरे अच्छी तरीके से और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। फ्रेंड, इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए आपको रेसिडेंट इंडियन होना जरूरी था, मतलब कि आपको किसी भी स्टेट का इंडिया का आपके पास जो है डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। दूसरा जो है फ्रेंड, आपका एज 18 साल या उससे ऊपर है तभी आप इस अकाउंट को अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड, इसके बाद आती है डॉक्यूमेंट की बारी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की इसमें जो है रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड, डॉक्यूमेंट में क्या है कि आपको आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट चाहिए होगा, जिससे आपका एड्रेस वेरीफाई होगा। और सेकंड जो ऑप्शन आता है पैन कार्ड का, पैन कार्ड जो है आपके सिग्नेचर वेरीफाइड के लिए होता है। फ्रेंड, इसके बाद मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बता दूँ इस अकाउंट के, क्या क्या बेनिफिट है। फ्रेंड, आपको क्या है कि इस अकाउंट में कॉम्प्लीमेंट्री 50,000 का एयर एक्सीडेंट एंड इंश्योरेंस जो है 50,000 का जो है परचेज प्रोटेक्शन कवर मिलता है, और साथ में आपको इसमें फ्री ईमेल स्टेटमेंट भी यहाँ से प्रोवाइड होता है। फ्रेंड्स, आपको अपने डिवाइस पे गूगल क्रोम ऐप खोलना है या गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलना है। इसके बाद आपको ICICI बैंक टाइप करना है उस पर। फ्रेंड, आप देखोगे ICICI बैंक आप टाइप करोगे तो ICICI बैंक की ऑफिशियल साइट पे जाके आपको जो है प्रोडक्ट्स में सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करना है। उसमें आप जैसे अकाउंट सेलेक्ट करते हो तो उस पर फ्रेंड आप देख रहे हो कि अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है सामने में, इस पर आपको क्लिक करना है। फ्रेंड, अप्लाई नाउ पर आप देख रहे हो कि फ्रेंड जैसे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो ये जो है ओपन होने लगा आपका जो अकाउंट का पेज है। इसके ओपन होते साथ ही फ्रेंड आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा दो आपके अकाउंट्स का। ये फ्रेंड दो अकाउंट मिलेगा आपको, इंस्टा सेविंग अकाउंट 10,000 वाला और एक FD अकाउंट। नॉर्मल अकाउंट में आपको 10,000 मेंटेन करने हैं और जो FD अकाउंट होता है उसमें आपको 10,000 की FD मेंटेन करनी है और बैलेंस जो है उसमें आपका जीरो रहेगा। तो यहाँ मैं नॉर्मल अकाउंट जो ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ जिसमें 10,000 मेंटेन करना होता है। तो आप देख रहे हो फ्रेंड कि यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ गया, इस पर आपको जो है बेसिकली आपका जो आपको नंबर रजिस्टर करना है वो नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, और एंटर करने के बाद फ्रेंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप देख रहे होगे इसके बाद ईमेल आईडी का ऑप्शन आया है, इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद अगेन आपको नीचे कंटिन्यू पे जो है क्लिक करना है। फिर आप देख रहे हो फ्रेंड कि पैन कार्ड नंबर जो है यहाँ पे आपको अपना एंटर करना है। फ्रेंड, ये आपको देख के थोड़ा सही से पैन कार्ड नंबर एंटर करना है क्योंकि इसके बेस पे आपका जो है पूरा अकाउंट खुलेगा। आपका मेन जो है आपका पैन कार्ड ही होता है। फ्रेंड, पैन कार्ड डिटेल्स डालने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फ्रेंड, इसके बाद जो है आपको जो है फोन पे आपका एक OTP आएगा, ये जो है आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ से वेरीफाई होता है इसके रिगार्डिंग। आप देख रहे हो कि थोड़ा टाइम लगता है OTP आने में, और OTP आने के बाद आपको यहाँ पे अपना OTP डाल के इसको जो है कंटिन्यू करके इसको वेरीफाई करना है। आप देख रहे हो यहाँ मैंने कंटिन्यू करके जो है वेरीफाई कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड अगेन आपको जो है आपका है आधार नंबर की अब जो है ऑप्शन आ गया है।
आपको आपका आधार कार्ड नंबर जो है यहाँ पे एंटर करना है। फ्रेंड एक चीज मैं बता दूं कि आपका जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो अभी मैंडेटरी है ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए, क्योंकि उस नंबर पे ही ओटीपी जाता है। देख लो फ्रेंड, आधार कार्ड नंबर जैसे डाला मैंने तो उसके लिए फिर एक ओटीपी गया है और ओटीपी आपको यहाँ पे दोबारा एंटर करना है आपको। और अगेन फ्रेंड इसको एंटर करने के बाद ओटीपी आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेना है। फ्रेंड इसके बाद जो है आपकी डिटेल्स का जो पेज खुल जाएगा वो आपको फिल करना है। आपका जो है मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि क्या है, आप सिंगल हो या मैरिड हो। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है, सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। उसके बाद नीचे आपका जो है सैलरी इनकम और जो है आपका जो एजुकेशन क्या है वो सारा डिटेल जो आपको उसमें सेलेक्ट करना है। आपका इनकम रेंज क्या है, कितना कमाते हो आप, वो भी इसमें एंटर करना है आपको सेलेक्ट करके। उसके बाद आप रेसिडेंट इंडिविजुअल इंडियन में आपको क्लिक करके जो है आगे नेक्स्ट जो है पेज पे चले जाना है। इसके बाद आप फ्रेंड देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके डेबिट कार्ड पे क्या नाम होना चाहिए, तो आप इसमें जो है आपका नाम यहाँ पे आरानिल शर्मा जो भी मैंने यहाँ पे डाला है, तो आपको अपना नाम चेक कर लेना है कि नाम सही है। उसके बाद जो है आपको फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हो नॉमिनी का नाम जो है, आपको नॉमिनी के नाम के लिए अगर आप मैरिड हो तो आपके स्पाउस नेम के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, वो आपको डालना है। इसके बाद आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे सेलेक्ट करके डालना है। और फ्रेंड आप देख रहे हो कि नॉमिनी का जब आप डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो फ्रेंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे जाके आपको अपनी जो मदर का नाम है वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मदर नेम का जो ऑप्शन आ रहा है नीचे पे, यहाँ पे आपको क्लिक करके आपका जो है मदर नेम भी यहाँ पे एंटर कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड आपको नेक्स्ट पे जाके जो है आपको अपना बर्थ प्लेस सेलेक्ट करना है, आपने जन्म कहाँ पे लिया है वो डिटेल आपको यहाँ पे आपको डालनी है यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे डिटेल फिल कर लिया है। फ्रेंड इसके बाद जो है आपका यहाँ पे नीचे यस यस पे क्लिक करना है। और अगर आपका एड्रेस चेंज है, आपके जो आधार कार्ड का एड्रेस है और आप जहाँ भी रहते हो, तो नो पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। क्योंकि मेरा सेम है तो आप देख रहे हो कि मैंने यस पे क्लिक किया और ये नेक्स्ट पे जो है आपका प्रोसीड हो गया है। आप यहाँ पे आपको देख रहे हो फ्रेंड ये 10,000 का अकाउंट है, इसमें 10,000 आपको मुझे मेंटेन करना है हमेशा। तो इसके बाद आपको सर कुछ पढ़ के आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फ्रेंड आप देखते हो कि यहाँ पे आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हो नीचे टिक मार्क करके, तो आपको अगेन जो है एक कंफर्मेशन ओटीपी जाता है फ़ोन पे, वो आपको यहाँ पे एंटर करके दोबारा वेरीफाई करना है। क्योंकि आप दोबारा जो मैंने सही ओटीपी डाला तो ये नेक्स्ट जो है फंड योर अकाउंट का ऑप्शन जो भी अभी आपको मैंने बताया वो आ जाता है। फिलहाल मैं अभी इसे फंड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ स्किप पे क्लिक कर रहा हूँ और नीचे जो है मैं यहाँ पे आगे प्रोसीड कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड आप जैसे ही नीचे प्रोसीड करोगे तो क्या होगा कि आपको जो है आपका अकाउंट जो है इनिशियली ओपन हो जाता है और इसकी जो लिमिट होती है 2 लाख रुपीज तक की वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही साथ फ्रेंड आप देख लो कि यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर मिल जा रहा और जो भी आपका पिन कोड है आपके आधार कार्ड का उसके नियरेस्ट जो भी ICICI बैंक की ब्रांच है वो आपको यहाँ से एलोकेट हो जाएगी। तो फ्रेंड क्या है कि इसके बाद अगर आप अपना बैंक अकाउंट का जो है अपना जो बेस ब्रांच है वो चेंज करना चाहते हो तो आप iMobile ऐप के थ्रू भी इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो या फिर ब्रांच जाके आप इसे अपडेट करा के चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और